जय माता की। आज हम बनाने जा रहे हैं छोले। ये मैंने रात भर भिगो के रखे थे, अब मैं इनको कुकर में रख रही हूँ। मैंने एक पाव छोले भिगोए थे और दो आलू, कच्चे आलू हैं, पानी डाल दिया। थोड़ा सा नमक डाल दो इसमें, इससे अच्छे उबल जाते हैं छोले, सॉफ्ट हो जाते हैं। मैंने रात भर भिगोए थे ये, 5 से 6 जनों के लिए बहुत हो जाते हैं छोले ये। इसको हम 4-5 सीटी लगाएंगे। ये छोले उबल चुके हैं, अब हम कढ़ाई रख देते हैं। इसमें मैं खड़े मसाले डालूँगी, तेज़पत्ता वगैरह, तेज़पत्ता, खड़े मसाले, लौंग, काली मिर्च, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, 2 चम्मच धनिया पिसा हुआ, मैंने पहले ही पीस के रखा था ये। धीमी आंच पर पकाएंगे मसाले। अब मैंने टमाटर पीस लिए थे मिक्सी में, थोड़ा सी कस्तूरी मेथी, लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर हींग। अब इसको हम धीमी आंच पर पकाएंगे। एक पाव छोले थे ये, इसमें मैंने 1 पाव करीब टमाटर लिए हैं, स्वाद अनुसार नमक, ध्यान रहे पहले भी नमक डाला था हमने छोले उबालने में। ये ग्रेवी पक गई है। अब हम थोड़े ये 2 आलू उबाले थे मैंने छोले में, वो इसमें डाल दिए मैंने बारीक करके, इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। एक बार आप ट्राई ज़रूर करना, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ये ग्रेवी पक रही है धीमी आंच पर, आपकी इच्छा है आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते आलू, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना जैसे मैं बनाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है, कितना अच्छा कलर आया है इसका। जो आलू मोटे हैं वो बारीक कर दीजिए, मिर्ची भी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, किसी को तेज़ पसंद है, किसी को कम पसंद है, आप इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बन के तैयार हो गई है, धीमी आंच पर पकाई मैंने ये। अब जो छोले उबाले थे मैंने वो इसमें डाल देते हैं। अब चलाते रहिए इसको, 15 मिनट तक पकाएंगे हम। अब तड़के के लिए दूसरी गैस ऑन कर देते हैं। इसमें हम हरी मिर्च, अदरक मैंने बारीक काट लिया था, काट ले चाहे आप घिस ले कद्दूकस में। इसमें हम तड़का डाल देते हैं। छोले बनकर तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।